बड़वा के समीप से ग्राम काटकूट में रात 2 बजे पुरोहित कैलाश शर्मा के घर में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 2 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोरी के दौरान श्री शर्मा की 22 वर्षीय लड़की प्रियंका पानी पीने के लिए उठी। उसने एक अज्ञात मुंह पर कपड़ा बांधे हुए चोर को देखकर हाथ में रकम की पोटली के साथ बहादुरी दिखाते हुए चोर का सामना करते हुए छीना झपटी की, जिससे पोटली खुलने पर रकम बिखर गई। चोर ने रकम छोड़ते हुए धक्का मुक्की करते हुए प्रियंका को गिराकर 2 लाख रुपए की नकद राशि लेकर भागने में सफलता प्राप्त की। गिरने से प्रियंका के सिर में चोट आई। उसके पश्चात उसने परिवारजनों को उठाकर घटना बताई। गुरुवार को ही कैलाश शर्मा ने बैंक से 2,05,000 रुपए की राशि निकाली थी। घटना की सूचना मिलते ही रात 3 बजे काटकूट चौकी प्रभारी ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। घटना से ग्राम में दहशत का माहौल बना हुआ है। शुक्रवार को घटनास्थल पर खरगोन के FSL डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। वॉशरूम गई और गेट खुला हुआ था, हल्का सा अटका हुआ था। मैं वॉशरूम गई, वापस आई, मैंने गेट लगाया था, बताया था, वापस गई तो मेरे को पूजा वाले कमरे में कोई दिखा। मतलब आगे जाते से मैंने देखा तो ऐसा तिरछा हुआ और उसके हाथ में 2 थैलियाँ थी, एक में पैसे थे और एक में रकम थी। तो मैंने रकम देखी, उसका फेस देख नहीं पाई, मतलब उसने मास्क पहना था, हाथ में ग्लव्स थे और रकम थी हाथ में। तो मैंने एकदम छुड़ाने की कोशिश करी तो रकम भी थोड़ी फट गई, वो रकम सारी गिर गई, कैश उसके हाथ में था 2,05,000। दोपहर न्यूज़ के लिए खरगोन जिले के बड़वाह से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट।